अस्सलाम वालेकुम, मैंने अभी हमारे मैंने चैनल देख रहे हैं क्रिकेट का जुनून। पाकिस्तान नेशनल टी ट्वेंटी कप मैच समरी, के पी के वर्सेज नॉर्दर्न। के पी के ने पहले बैटिंग करते हुए मगर अभी सफर में 207 रन बनाए, 4 क्रिकेट आउट हुए। के पी की जानब से कामरान गुलाम ने 110 नॉट आउट रन की इनिंग के लिए इफ्तार है। बने 54 रन नॉट आउट 26 के नब्बे। साहबजादा फरहान ने 18 और मोहम्मद हारिस ने 13 रन बनाए। नॉर्दर्न की जानब से लियाकत ने 2 और अतर ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। नॉर्दर्न की टीम 1208 रन का टारगेट जो करते हुए 18.4 ओवर में 115 रन बना कर टीम आउट हुई। रोहित नदीर ने 34, उमर अमीन ने 23, अली इमरान ने 19 और जहान ने 11 रन बनाए। के पी के की जानिब से के उस्मान ने 2, इमरान सीनियर ने 2, आसिफ अफरीदी ने 2 और इकबाल अरशद इकबाल ने 1 रन आउट किया। के पी के ने यह मैच 92 रन से जीत लिया। के पी के की फील्डिंग बहुत बुरी थी, कैचेज छोड़े थे शुरू में, लेकिन नॉर्दर्न के बैट्समैन उनका फ़ायदा नहीं उठा सके। अब पाकिस्तान नेशनल टीम के ग्रुप मैच खत्म हो गए हैं, आज सेमीफाइनल खेला जाएगा। वो कल फाइनल आज पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा सॉरी पहले सेमीफाइनल खेला जाएगा 3 बजे के पी के और नॉर्दर्न का। दूसरा सेमीफाइनल खेला जाएगा शाम 7:30 बजे सिंध और सेंट्रल पंजाब का। तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि जो सिंध के जो ऑलराउंडर ने अनवर अली जो कि कप्तान थे, सरफराज अहमद जाने के बाद, जिस सरफराज अहमद जो है वो टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप के स्क्वाड में शामिल हो चुके हैं, जिसकी वजह से उनको बैट्समैन बबल में रहना पड़ेगा। तो उनकी जगह वाइस कैप्टन अनवर अली थे। तो कल अनवर अली की जो है वो वालदा की डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से वो मैच में शिरकत नहीं कर सके। अल्लाह हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक अनवर अली की वालदा को जन्नत और फिरदौस में जगह अता फरमाए आमीन, और उनको सब्र अता फरमाए आमीन।